फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माइक्रम का न्यू डिजाइन का ब्यूटीफुल सा और बहुत ही ज्यादा यूनिक माइक्रम का झूमर तो आप इस झूमर को झूमर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में आप इसमें लाइटिंग की फिटिंग करके दिवाली पे भी आप इसका आकाश कैंडल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इसमें बीच में होल्डर में बल्ब लगा के और इसको मैंने सेट कर दिया है बीच में तो इस ये जो झूमर है आपको आकाश कैंडिल के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा और नॉर्मली आप झूमर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैंने मटेरियल के डिटेल्स दे दिए प्लीज आप चेक कर लें और आपको मैं दिखा देती हूँ मटेरियल सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो कलर के माइक्रम के मैंने थ्रेड्स ले लिए हैं गोल्ड और स्काई ब्लू कलर का और दोनों हमें दो दो बंडल थ्रेड्स यहाँ पे चाहिए अब इसके बाद हम रिंग की बात कर लेते हैं तो रिंग में यहाँ पे टोटल हमें फाइव रिंग्स चाहिए जैसे कि ये देखिए 3.5 इंच की हमें रिंग चाहिए 5 इंच की रिंग चाहिए सिक्स पॉइंट फाइव इंच की रिंग चाहिए एट इंच की रिंग चाहिए एंड लास्ट वाला हमें नाइन इंच की रिंग चाहिए तो टोटल हमारे फायरिंग हो गए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का मट का बीट्स मैंने इस्तेमाल किया है कांटे में मैंने ग्रीन और पिंक कलर का बीट्स मैंने लिया है यहाँ पे पिंक में मैंने देखिए स्मूथ वाला मैंने बीट्स लिया है बड़े में मैंने रेड कलर का ले लिया है और बेल्ट में यहाँ पे पिंक और ग्रीन का मैंने बेल्ट ले लिया है और लाइटर एंड सीजर ले लिया है तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं इस झूमर को बनाना तो यहाँ पे देखिए मैंने थ्रेड ले लिए हैं गोल्ड कलर के और इसको मैंने कट किए हैं फोर पॉइंट हाफ मीटर में यानी कि साढ़े चार मीटर में मैंने कट किए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल यहाँ पे एट यानी कि आठ कॉर्ड मैंने थ्रेड ले लिए हैं और इस तरह से इसको बीच में से हमें फोल्ड कर लेना है यानी कि बीच में से हाफ कर लेंगे और ये देखिए एक थ्रेड हमें इस तरह से रख देना है ताकि इसका जो बीच का पॉइंट है वो हमें आसानी से समझ में आ जाए अब यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर का मैंने थ्रेड ले लिया है और इसको मैंने लिया है वन पॉइंट हाफ यानी कि डेढ़ मीटर का मैंने कॉर्ड ले लिया है और इस तरह से सारे थ्रेड के नीचे से इस थ्रेड को निकाल लेना है अब यहाँ पे हमें बनाना है हुक तो इसके लिए हम नॉट बनाएंगे ये देखिए थोड़ा सा हम दो इंच ऊपर की तरफ से जो हमारे हमने टिक किया था पॉइंट उसके ऊपर से हम दो इंच ऊपर करके और यहाँ पे हम स्काई ब्लू वाले थ्रेड से नॉट लगाएंगे तो सिंपल नॉट लगा के और हमें यहां पे हुक को तैयार करना है सो फ्रेंड्स यहां पे हमारा नॉट कंप्लीट हो गया है तो वन टू थ्री पे मैंने यानी कि तेरह नॉट मैंने लगाए हैं और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है अगर आपको हुक लगता है कि छोटा है तो आप इसमें दो तीन नॉट और ऐड कर लीजिए तो ये हुक बड़ा हो जाएगा अब यहाँ पे हम सारे गोल्ड वाले थ्रेड को ये जो दोनों थ्रेड्स हैं, इन्हीं से हम अच्छी तरह से टाइटली नॉट लगाएंगे ताकि सारे कॉर्ड्स एक जगह पे अच्छी तरह से हमारे इकट्ठा हो जाए और जो हुक है वो भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पैक हो जाए तब यहाँ पे जैसे हमने हुक के लिए नॉट लगाए हैं सिंपल फिर से हम यहाँ पे नीचे की तरफ भी सिंपल नॉट को लगा के ले लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा हुक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे टोटल मैंने फाइव नॉट्स लगा के नीचे की तरफ और हुक को कंप्लीट कर लिए हैं अब जो ये एक्स्ट्रा कॉर्ड्स बचे हैं इनको हम हाफ हाफ इंच पे दोनों थ्रेड्स को कट कर लेंगे और लाइटर से इन थ्रेड्स को मेल्ट करके अच्छी तरह से दबा के हमें यहीं पर इन्हें चिपका देना है तो इस तरह से हमारा जो झूमर का हुक है ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बन के ये रेडी हो गया है अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने लड़िया तैयार कर लिए फिर नॉट लगा दिए फिर एक कलर का मैंने डाल दिया है तो इस तरह की यहाँ पे देखिए फोर फोर थ्रेड्स को लेके और मैंने सेम मैंने तीन लड़िया यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं अब यहाँ पे मैंने फोर थ्रेड्स छोड़ दिए हैं जिसमें से देखिए दो थ्रेड्स में मैं यहाँ पे मटका का बीड्स डाल रही हूँ ग्रीन कलर का अब इसके बाद इसमें हमें नॉट लगाना है तो इस तरह से फोर थ्रेड्स लेके दो हमें थ्रेड में एक बीड्स डाल देना है स्टार्टिंग में और उसके बाद जो साइड वाला एक एक थ्रेड है इनकी मदद से हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे तो एक बीड्स डालने के बाद नीचे की तरफ हमें टोटल फाइव यानी कि पांच नॉट हमें नीचे की तरफ बारी बारी से लगा के लेना है तो सिंपल नॉट हम कंटिन्यू कर लेते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव सिंपल नॉट मैंने लगा के ले ले लिए अब ये जो फोर से इनको ले लेना है और इसमें देखिए एक बड़ा सा रेड कलर का हमें बीड्स डाल देना है और बीड्स को डालने के बाद फिर से हम नीचे की तरफ फोर थ्रेड्स को लेके और एक एक करके हम यहाँ पे सिंपल नॉट फिर से लगाएंगे तो नीचे हम टोटल जैसे ऊपर हमने फाइव नॉट लगाए हैं अब बीड्स को डालने के बाद फिर से हम नीचे की तरफ भी फाइव नॉट को बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल हमारे फाइव नॉट्स कंप्लीट हो गए हैं अब फिर से यहाँ पे देखिए बीच के हमें दो कॉर्ड ले लेना है और इसमें हम ग्रीन कलर का मटका बीड्स डाल देंगे अगर आपके पास मटका बीड्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे कांटा बीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से थ्रेड में बीड्स डाल दिया है और फिर से जो साइड वाले एक एक थ्रेड्स हैं इनको लेके हम यहाँ पे सिंपल नॉट को लगा लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो चौथी वाली लड़ी है वो भी हमारी देखिए सेम टू सेम बन के कम्प्लीट हो गई है अच्छी तरह से अब यहाँ पे मैंने रिंग ले लिया है 3.5 इंच की यानी कि साढ़े तीन इंच का मैंने यहाँ पे रिंग ले लिया है तो यहाँ पे हमें इसको अटैच करना है तो इस तरह से देखिए रिंग को झूमर में डाल देना है और उसके बाद ये जो चार लड़िया हैं तो चारों कोनों में हमें इसे सेट करना है तो यहाँ से थ्रेड ले लेंगे इस तरह से और रिंग के ऊपर हम डबल डबल टाइम एक एक करके थ्रेड्स को अच्छी तरह से टाइटली रैप करके ले लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए एक लड़ी में फोर थ्रेड्स थे तो मैंने रिंग पे बारी बारी से उसको अटैच कर लिए हैं इसी तरह से जो थ्री हमारे लड़ी बच्चे हैं इनके भी थ्रेड्स को हम रिंग पे अटैच कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे रिंग पे अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद टोटल यहाँ पे फोर ब्लॉक बन के आ गए इनके बीच में तो एक ब्लॉक में देखिए मैंने स्काई ब्लू कलर का मैंने माइक्रम का थ्रेड यहाँ पे अटैच कर लिया है तो ये जो थ्रेड है हमारा फोर मीटर का है और यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया है अभी देखिए जो रिंग खाली है लड़ियों के बीच में हम यहाँ पे फोर मीटर का थ्रेड स्काई ब्लू कलर का यहाँ पे कट कर लिया है और यहाँ पे हम अटैच करेंगे और एक बात और बताऊंगी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारी साढ़े तीन इंच की रिंग है थ्री पॉइंट फाइव इंच की जो रिंग है इसके ऊपर टोटल हमें जो फोर ब्लॉक्स हैं इनमें हम फोर फोर थ्रेड्स लगाएंगे यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे सिक्सटीन यानी कि सोलह थ्रेड हम फोर फोर मीटर का यहाँ पे रिंग के ऊपर लगा के लेंगे तो इस तरह से देखिए एक एक थ्रेड हमें बीच में से फोल्ड करना है रिंग पे अटैच करना है और दोनों तरफ से एक एक बार हम रिंग के ऊपर इसको रैप करेंगे थर्ड नंबर का कॉर्ड ले लिया है बीच में से फोल्ड करने के बाद रिंग पे अटैच कर लेना है और दोनों तरफ से एक एक बार सिंगल टाइम हम इस कॉर्ड को रिंग पे इस तरह से रैप कर देंगे फिर से फोर्थ नंबर वाला कॉर्ड ले लेना है फोल्ड करना है रिंग पे अटैच करना है और एक एक बार दोनों तरफ से रैप कर लेना है तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे 3.5 पॉइंट फाइव इंच यानी कि फर्स्ट वाली रिंग पे मैंने स्काई ब्लू कलर के टोटल 16 यानी कि 16 थ्रेड्स मैंने 4 मीटर के कट करके लगा दिए हैं अब यहाँ पे देखिए हमें नॉट लगाना है तो जो फोर थ्रेड्स हमारे गोल्ड वाले इनमें से दो लेना है और साइड वाले जो स्काई ब्लू हैं इनमें से दो टोटल हमारे फोर थ्रेड्स हो गए अब यहाँ पे हम लगाएंगे सिंपल नॉट तो इस तरह से फोर थ्रेड्स की मदद से हमें यहाँ पे सिंपल नॉट लगाना है तो एक नॉट लगा लिया है फिर से देखिए दो थ्रेड हमारे हैं यहाँ पे गोल्ड वाले और साइड से दो थ्रेड ले लेना है और फिर से हम सिंपल नॉट यहाँ पे लगा लेंगे तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एक एक नॉट लगा लिए हैं अब यहाँ पे हमें गोल्ड वाले फोर थ्रेड्स मिल गए हैं फिर से इसको लेके हम सिंपल नॉट यहाँ पे लगा लेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे थ्री नॉट हो जाएंगे तो तीन नॉट लगा लिया है इसके बाद फिर से अब आगे की तरफ देखिए गोल्ड वाले हमें दो थ्रेड ले लेना है और स्काई ब्लू वाले दो थ्रेड्स फिर हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे तो यहाँ पे भी हमें टोटल थ्री नॉट यहाँ पे तैयार करके लेना है तो इस तरह से फ्रेंड्स जहां जहां पे गोल्ड वाले थ्रेड्स हमने रिंग पे अटैच किए वहां वहां पे हम नीचे की तरफ थ्री थ्री नॉट बना के कंप्लीट कर लिए हैं अब इनके बीच में स्काई ब्लू वाले देखिए फोर फोर थ्रेड्स हमारे छुटे हैं तो इस तरह से ये दो दो जो थ्रेड्स हैं क्रॉस जाएंगे और जो हमने नॉट लगा रखा है ये देखिए इनमें से दो स्काई ब्लू वाले और दो गोल्ड वाले थ्रेड्स हैं तो इनको अभी हमें यहाँ पे रैप करना है तो यहाँ से हम कॉर्ड उठा लेंगे और इस तरह से हम क्रॉस में यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी पाइपिंग करेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स एक थ्रेड के ऊपर फोर्थ थ्रेड्स हमने क्रॉस में रैप कर लिया है फिर सेकेंड वाला कॉर्ड हमें ले लेना है और जैसे फर्स्ट वाले पे हमने टोटल फोर थ्रेड्स रैप किए हैं वैसे सेकंड वाले कॉर्ड के ऊपर भी हम टोटल फोर्थ थ्रेड्स को अच्छी तरह से यहाँ पे रैप कर लेंगे एक तरफ देखिए दो थ्रेड्स पे मैंने क्रॉस यहाँ पे पाइपिंग मैंने अच्छी तरह से कर ली है अब दो थ्रेड्स हमारे स्काई ब्लू वाले बचे हुए हैं तो इनको भी हम दूसरी तरफ क्रॉस करेंगे और इस तरह से फर्स्ट वाले कॉर्ड के ऊपर जो स्काई ब्लू वाले और गोल्ड वाले जो थ्रेड्स हैं टोटल फोर इनको फिर से हम यहाँ पे बारी बारी से रैप करेंगे जैसे हमने दूसरी तरफ देखिए दो लाइनें हमने कम्प्लीट करी है पाइपिंग की उसी तरह से हम इस साइड भी कंप्लीट करके ले लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों तरफ देखिए मैंने अच्छी तरह से क्रॉस मैंने कॉर्ड्स की पाइपिंग कर ली है अब इसके बाद फिर से हम बीच में से यहाँ से स्काई ब्लू कलर के दो थ्रेड्स ले लेंगे और इसमें हम यहाँ पे पिंक कलर का स्मूथ थोड़ा सा बड़ा बिड्स डाल देंगे ये देखिए इस तरह से हमें बीच में डिजाइन में बीड्स डाल देना है जिससे कि डिजाइन और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी अब यहाँ पे फिर से हमें पाइपिंग करना है तो जो सेम कॉर्ड है हमारा जिसे हमने ऊपर पाइपिंग करे हैं क्रॉस में उसी तरह से हम नीचे भी कॉर्ड्स को हाफ करके यानी नीचे की तरफ सेम कॉर्ड हमारा यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी पाइपिंग होगा यानी ऊपर भी हमने फोर पाइपिंग करे थे थ्रेड्स यहाँ पे भी हमें फोर थ्रेड्स को पाइपिंग करना है सेम कॉर्ड हमारा पाइपिंग होगा तो बारी बारी से हम दोनों तरफ एक एक करके हम कॉर्ड्स को यहाँ पे अच्छी तरह से पाइपिंग कर लेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ देखिए अच्छी तरह से पाइपिंग हो चुका है और यहाँ नीचे की तरफ हमें टोटल स्काई ब्लू वाले फोर थ्रेड्स मिल गए हैं इनको लेके इस तरह से हमें एक सिंपल नॉट यहाँ पे टाइटली अच्छी तरह से लगा देना है और थ्रेड्स को हम थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ से खींच लेंगे तो देखिए डिजाइन हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो गया फ्रेंड्स अब इसी तरह से जो हमने डिजाइन बनाए हैं यहाँ पे हम साइड में भी सेम डिज़ाइन को बना के लेंगे जैसे देखिए इनके बीच बीच में हमें बनाना है जो हमने थ्री थ्री नॉट बनाए हैं उन्हीं उन्हीं के बीच में हमें इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है जैसे यहाँ पे भी देखिए स्काई ब्लू वाले टोटल हमारे फोर थ्रेड्स हैं तो टू टू कॉर्ट्स हम दोनों तरफ करेंगे जो हमारे स्काई ब्लू वाले और गोल्ड वाले जो फोर फोर थ्रेड्स हैं इन पे रैप होते जाएंगे डबल डबल थ्रेड्स पे रैप होगा और फिर हम नीचे की तरफ बनाएंगे जैसे यहाँ पे एक बीड्स बीड्स डाल डाल दिया है डाल के और फिर से हम नीचे की तरफ फोर -फोर थ्रेड्स दोनों तरफ दो लाइनें हम रैप करके ले लेंगे और नीचे की तरफ रैप करने के बाद एक नॉट लगा देंगे और डिजाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे सो so, फ्रेंड्स यहाँ पे एक डिजाइन मैंने बना लिया है और इसी तरह से तीन डिजाइन और बना लेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे चार डिजाइन बन जाएंगे तो देखिए एक एक बीड्स डाल के और मैंने यहाँ पे टोटल चार यानी कि फोर डिजाइन मैंने बना के तैयार कर लिए हैं अब इसके बाद यहाँ से गोल्ड वाला हमें फोर थ्रेड्स ले लेना है और यहाँ पे अभी हमें लगाना है सिंपल स्क्वायर नॉट तो फोर फोर थ्रेड्स को लेते हुए अब हम नीचे की तरफ नॉट को लगाएंगे तो जैसे कि देखिए गोल्ड वाले थ्रेड से एक नॉट मैंने लगा लिया है और इस तरह से कॉर्ड को थोड़ा खींच लेना है और फिर से हम दो थ्रेड गोल्ड वाला ले लेंगे और साइड वाला जो स्काई ब्लू वाला थ्रेड है इनमें से दो ले लेंगे और फोर फोर थ्रेड्स की मदद से हम नीचे की तरफ नॉट को लगा के ले लेंगे तो एक तरफ नॉट लगा लिया है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी नॉट लगाएंगे तो दो गोल्डन वाला थ्रेड और दो स्काई ब्लू वाले थ्रेड को लेके हमें सेम दूसरी तरफ भी एक नॉट को बना लेना है तो यहाँ पे मैंने थ्री नॉट बना के कंप्लीट कर लिए हैं इसके बाद अब नीचे की तरफ फिर से हमें साइड से स्काई ब्लू वाले दो थ्रेड लेना है और गोल्ड वाले दो थ्रेड और फिर से हम यहाँ पे फोर थ्रेड की मदद से नॉट को लगाएंगे तो जैसे हमने ऊपर लगाया है फोर थ्रेड्स को लेके सेम उसी तरह से हमें नीचे की तरफ भी फोर फोर थ्रेड्स को लेके और हमें यहाँ पे नॉट को लगाना है अब जैसे ये देखिए दूसरा वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे भी गोल्ड वाले मैंने फोर थ्रेड्स ले लिए हैं और इस तरह से हम यहाँ पे सिंपल नॉट को लगा लेंगे बाद में फिर हमें क्या करना है एक नॉट लगाने के बाद गोल्ड वाला थ्रेड ले लेना है दो और स्काई ब्लू वाला थ्रेड ले लेना है और यहाँ पे हमें फिर से सिंपल नॉट को लगा लेना है सिम हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से नॉट को लगा लेंगे और नीचे की तरफ भी हम फोर फोर थ्रेड्स दोनों तरफ से लेके और नॉट को हम यहाँ पे बना के पूरा कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स सारे ब्लॉक्स में मैंने नॉट लगा के पूरा कर लिए हैं अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो थ्रेड्स हमारे हैं तो यहाँ नीचे भी हम फोर फोर थ्रेड्स को लेंगे और हम यहाँ पे नॉट को लगाएंगे तो आ, बारी बारी से हमें फोर फोर थ्रेड्स को लेना है और गोलाई में हम नॉट को लगाते जाएंगे यानी कि एक एक लाइन हम गोलाई में नॉट को लगा लगा के नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो फोर फोर थ्रेड्स को लेते हुए हम आराम से यहाँ पे नॉट को लगा लेंगे फ्रेंड्स so पे नीचे की तरफ हमारे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे टोटल मैंने एट लाइन मैंने यहाँ पे बारी बारी से गोलाई में नॉट लगा लिए हैं अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फाइव इंच का पांच इंच का मैंने राउंड रिंग ले लिया है अब इस रिंग को यहाँ पे हमें अटैच करना है तो इस तरह से थ्रेड्स में हमें रिंग को डाल देना है उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्ड को रिंग पे अटैच करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो गोल्ड वाला थ्रेड है इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो एक थ्रेड ले लिया है और एक थ्रेड को हम रिंग के ऊपर दो बार अच्छी तरह से रैप करेंगे यानी कि चार थ्रेड है यहाँ पे फोर थ्रेड्स हैं। तो बारी बारी से फोर थ्रेड्स को हम एक एक करके और दो दो बार यहाँ पे रिंग पे अटैच करके ले, ले लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरफ मैंने गोल्ड वाले फोर थ्रेड्स को रैप कर लिए अब चारों तरफ से देखिए जो गोल्ड वाले थ्रेड से हमारे रिंग पे पहले अटैच हो जाएंगे तो अब दूसरी तरफ हम इस गोल्ड वाले थ्रेड को यहाँ पे अच्छी तरह से रैप करेंगे यहाँ पे देखिए जो कॉर्ड है ये यह थ्रेड यहाँ पे मैं रिंग पे इसलिए मैं पहले रैप कर रही हूँ चारों तरफ से ताकि जो हमारी कॉर्ड्स हैं रिंग पे एक साइड मतलब जो थ्रेड्स है ज्यादा खींचे ना जाए और एक साइड जो है ज्यादा जो थ्रेड्स है मतलब ये जो झूमर है ज्यादा तो उसके से ज्यादा बाकी ना रहे यानी सारे जो थ्रेड्स है इक्वल में बराबर में आ जाए झूमर बीच में अच्छी तरह से रिंग के सेट हो जाए इसीलिए क्या करना है जब इस तरह से आपको झूमर में रिंग लगाना हो तो चारों तरफ से पहले आप थोड़े थोड़े थ्रेड्स को रिंग पे अटैच कर लें और उसके बाद जो बाकी जो थ्रेड्स बचते हैं फिर उसको बाद में आप बारी बारी से रिंग के ऊपर अटैच कर दें इससे क्या होगा जो झूमर वो भी बीच में सेट हो जाए और आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी रिंग पे कॉर्ड्स को लगाने में तो सारे थ्रेड्स मैंने रिंग पे लगा लिए हैं अब यहाँ पे गोल्ड कलर का मैंने थ्रेड ले लिया है थ्री मीटर का इसको देखिए मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया है और जो गोल्ड वाले हमारे थ्रेड्स हैं यहाँ पे इन दोनों के साइड में हमें थ्री मीटर का एक एक कॉर्ड यहाँ पे हमें लगाना है तो एक थ्रेड लगा दिया है अब दूसरा थ्रेड ले लिया थ्री मीटर का फोल्ड करके और इस तरह से देखिए रिंग के अंदर से हमें इस कॉर्ड को यहाँ पे इस तरह से फंसा लेना यानी कि अटैच कर लेना है तो जहां जहाँ पे गोल्ड वाले थ्रेड्स है उनके दोनों साइड हमें एक एक हमें थ्रेड लगाना है थ्री थ्री मीटर का सो so फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मैंने एट यानी कि आठ थ्रेड मैंने लगाए हैं थ्री थ्री मीटर के गोल्ड वाले अब थ्रेड्स को लगाने के बाद रिंग पे अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं अभी हमें फिर से नीचे नॉट लगाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे फोर फोर थ्रेड्स को लेंगे और सिंपल नॉट जैसे हम लगाते हैं फिर से उसी नॉट को हम नीचे की तरफ लगाना शुरू कर देंगे जिसे एक नॉट मैंने लगा लिया है इसी तरह से आगे भी हम चार चार थ्रेड्स को यानी कि फोर फोर थ्रेड्स को लेके और नॉट को हम लगा के लेंगे तो यहाँ पे हम पहले फोर -फोर थ्रेड से एक राउंड नॉट लगा के पहले ले लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पे मैंने गोलाई में नॉट लगा के फोर फोर थ्रेड्स को लेते हुए और पूरा मैंने ये गोलाई कंप्लीट कर लिया है नॉट से इसके बाद अब फ्रेंड्स जिस थ्रेड्स में यानी जो फोर थ्रेड्स को लेके मैंने सिंगल नॉट लगाए हैं फिर से हम एक नॉट इसी में और बढ़ा देंगे यानी कि यहाँ पे हमें डबल नॉट कर देना है तो देखिए दो नॉट लगा लिया फिर मैंने नॉट का जो थ्रेड है वो ले लिया है फोर और फिर से हम एक नॉट बढ़ा लेंगे यानी फिर से हम गोलाई में एक एक नॉट बढ़ा लेंगे और पूरा कर लेंगे सो so फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे गोलाई में नॉट्स कंप्लीट होंगे यानी कि यहाँ पे डबल नॉट हमारा बन के रेडी हो गया है अब फिर से अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए है, गोल्ड वाले और स्काई ब्लू वाले हमें थ्रेड ले लेना है फोर थ्रेड्स हो गए हमारे फिर से हम नीचे की तरफ अब देखिए डायरेक्ट हम डबल नॉट यहाँ पे लगाएंगे एक एक राउंड हम करके नहीं लगाएंगे यहाँ पे देखिए फोर थ्रेड्स को लेके और दो दो नॉट हम यहाँ पे लगा के लेंगे देखिए दो नॉट हमने कंप्लीट कर लिया है फिर आगे के हम फोर थ्रेड्स को ले लेंगे और फिर से दो नॉट लगा लेंगे उसके आगे का फिर हम फोर थ्रेड लेंगे और दो नॉट लगा लेंगे इसी तरह से हमें फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट को लगा के लेना है और इसी नॉट को फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ फोर फोर थ्रेड्स को लेके और डबल नॉट लगा के और इस नॉट को हम नीचे की तरफ बड़ा कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स नॉट लगा के और हमारा देखिए नीचे का हिस्सा पूरा मैंने बड़ा कर लिया है और ये हमारे डबल नॉट में यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम क्रॉस में नॉट की काउंटिंग करेंगे तो जैसे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि यहाँ पे टोटल मैंने छ लाइन डबल नॉट लगा के मैंने नीचे की तरफ ले लिए हैं अब इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें रिंग लगाना है तो मैंने रिंग ले लिया है और ये जो हमारी रिंग है 6.5 इंच यानी साढ़े छः इंच की है और इसको हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो जैसे हमने ऊपर अटैच किया है रिंग के ऊपर थ्रेड्स को सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी अटैच करेंगे पहले क्या करना है गोल्ड वाले थ्रेड को लगाना है और फिर दूसरी तरफ भी हम गोल्ड वाले थ्रेड को रैप करेंगे फिर एक एक करके हम दोनों तरफ कर लेंगे यानी कि चारों तरफ से पहले हमें थ्रेड्स को रिंग के ऊपर अटैच कर लेना है उसके बाद जो बाकी थ्रेड्स बचेंगे उनको रैप करना है इससे जो झूमर है बीच में सेट हो जाएगा और ये जो थ्रेड्स हैं एक तरफ कम या एक तरफ ज़्यादा बिल्कुल भी रैप करने में नहीं होंगे जिस देखिए एक तरफ मैंने रैप कर लिए हैं थ्रेड्स को अब दूसरी तरफ हमें ये देखिए ये वाले जो थ्रेड्स हैं इनको इस रिंग पे खींच के हमें अच्छी तरह से रैप करना है सो so फ्रेंड्स यहाँ पे रिंग के ऊपर सारे थ्रेड्स को मैंने लगा दिए हैं अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाला जो रिंग है इस पर मैंने स्काई ब्लू कलर के थ्रेड्स लगा दिए थे Second वाले पे मैंने गोल्ड वाले थ्रेड लगाए हैं अब थर्ड वाले पे हमें लगाना है स्काई ब्लू वाले कलर का थ्रेड तो यहाँ पे देखिए जो स्काई ब्लू कलर का जो थ्रेड है तो दो दो हम साइड कर लेंगे और जो फोर थ्रेड्स है नॉट का इनके दोनों साइड हमें यहाँ पे लगाना है थ्रेड तो ढाई मीटर का थ्रेड मैंने यहाँ पे कट किया है टू पॉइंट हाफ मीटर का उसको इस तरह से फोल्ड करके और रिंग पे हमें अटैच करना है यानी कि जो बीच में नॉट है उसके दोनों साइड हमें एक एक थ्रेड को इस तरह से रैप करना है और उसके बाद सिंगल सिंगल टाइम दोनों तरफ से रिंग पे कॉर्ड को रैप कर लेंगे तो एक थ्रेड मैंने लगा लिया है अब दूसरे थ्रेड को इस तरह से देखिए रिंग के नीचे से निकाल लेना है खींच लेना है आगे की तरफ और फिर से दोनों तरफ से एक एक बार इस थ्रेड को हम रिंग पे रैप कर देंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल हमारे एट यानी कि आठ थ्रेड यहाँ पे ढाई मीटर के हमें इस रिंग पे लगाना है तो जो स्काई ब्लू वाला जो नॉट है उसके दोनों साइड से हम एक एक नॉट को लगा के लेंगे देखिए यहाँ पे लगा लिया है इसी तरह से हम यहाँ पर भी कॉर्ड को लगा के ले लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स रिंग पे हम सारे थ्रेड्स को लगा चुके हैं इसके बाद अब जो गोल्ड वाले थ्रेड्स हैं इनमें से हम फोर थ्रेड को लेंगे और इस तरह से नॉट को लगा के और इस थ्रेड को हम ऊपर की तरफ कर देंगे यानी कि यहाँ पे इस थ्रेड का अभी काम नहीं है बाद में हम इसमें स्पायरल मूव्स के नॉट लगाएंगे और लड़ी तैयार करेंगे इसलिए हम चारों तरफ से फोर फोर थ्रेड्स गोल्ड वाले नॉट लगा के साइड कर लेंगे अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हमारे गोल्ड वाले दो दो थ्रेड्स हैं और बाकी स्काई ब्लू वाले तो फोर फोर थ्रेड्स को लेके यहाँ पे पिंक कलर का मैंने काटा बीड्स डाल दिया है दो थ्रेड्स में और इसके बाद अब यहाँ पे बीड्स को डालने के बाद हमें लगाना है सिंपल स्क्वायर नॉट तो फोर हमारे यहाँ पे बीड्स थ्रेड्स में पड़े हुए हैं तो टोटल फोर नॉट भी हमारे यहाँ पे बन तैयार होंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया है थर्ड तो में मैंने देखिए दो बीट्स डाल दिए हैं और एक बात का यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि हर लाइन में दोनों तरफ से हमारे टू टू कॉर्ड्स छूटते जाएंगे यानी कि यहाँ पे क्या होगा नॉट जो है नीचे की तरफ घटते जा रहा है इसीलिए दोनों तरफ से हम टू टू कॉर्ट्स को छोड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तभी हमारे फोर थ्री टू वन इस तरह से जो है नॉट यहाँ पे बन के रेडी होंगे तो देखिए यहाँ पे दो नॉट बना लिया दो बीट्स डाल के अब इसी तरह से नीचे के तरफ हमें टोटल फोर यहाँ पे थ्रेड मिल गया है तो एक बीट्स डाल दिए हैं अब इसके बाद यहाँ पे नॉट को बना लेंगे जिससे क्या होगा कि ये जो डिजाइन है हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से बन के कम्प्लीट हो गया है ये देखिए इस तरह से नॉट हमारा बन गया है अच्छी तरह से अब इसके बाद दूसरी तरफ भी देखिए हमारे बचे हुए हैं भी सेम हमें इसी तरह से आ, वाला पिंक कलर का बीड्स डालना है जैसे यहाँ पे डाल के नॉट लगाया है सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना के कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही जो ये यह दो यहाँ पे बचे हुए हैं ब्लॉक्स इनमें भी हमें सेम बीड्स डाल के नॉट बना लेना है तो ये देखिए यहाँ पे पूरा मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है और चारों तरफ बीड्स डाल के नॉट लगा के यहाँ पे पूरा तैयार कर लिया है सो so फ्रेंड्स अभी इतना कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे नॉट लगाना है यानी जो नॉट्स हमने तैयार किए बीड्स वाला इनको जोड़ना है साथ में तो यहाँ पे इस वाले नॉट में से और इस वाले नॉट में से देखिए गोल्ड वाले हमारे दो दो थ्रेड से इनको ले लेना है यानी कि फोर थ्रेड्स हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे हमें नॉट लगाना है और टाइट नॉट लगाएंगे जिससे कि देखिए डिज़ाइन जो है मेन डिज़ाइन हमारा यहीं से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम टाइट नॉट लगा देंगे जिससे कि जो डिज़ाइन है थोड़ा सा गोल शेप में आ जाएगा अच्छी तरह से और इस तरह से देखिए नॉट को लगाने के बाद थ्रेड को थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे तो देख सकते हैं आप जो हमने बीट्स वाले नॉट लगाए उसका जो शेप है अंदर की तरफ थोड़ा सा इसका झुकाव हो गया है और अच्छा दिख रहा है फिर से दूसरी तरफ भी हम फोर थ्रेड से ले लेंगे और यहाँ पे हमें टाइट नॉट लगा लेना है तो इसी तरह से क्या करना है जैसे यहाँ पे मैंने आपको दो नॉट लेकर के दिखा दिए हैं सेम इसी तरह से हम दोनों तरफ जो थ्रेड्स बचे हैं उनमें भी हम नॉट को लगा के तैयार कर लेंगे सो फ्रेंड्स चारों तरफ से मैंने नॉट को लगा के कंप्लीट कर लिए हैं अब बारी आती है यहाँ पे कॉर्ड्स की पाइपिंग करने की तो जो गोल्ड वाले देखिए फोर थ्रेड्स हैं तो दोनों तरफ हमारे इस तरह से क्रॉस जाएंगे और जो बीट्स वाले हमारे थ्रेड्स हैं हाफ थ्रेड्स को यहाँ पे हम गोल्ड वाले थ्रेड के ऊपर पाइपिंग करेंगे तो एक थ्रेड लेना है हमें और अच्छी तरह से यहाँ पे डबल डबल टाइम हम हाफ uh, थ्रेड्स जो स्काई ब्लू वाले बीट्स वाले जो थ्रेड्स हैं तो आधा थ्रेड को ही हम ये गोल्ड वाले थ्रेड्स के ऊपर बारी बारी से अच्छी तरह से रैप करके लेंगे तो इस तरह से देखिए एक लाइन कंप्लीट कर लिया है फिर सेकंड कॉर्ड ले लिया है गोल्ड वाला और इसके ऊपर फिर से जो जितने हमने फर्स्ट वाले पे रैप की है सेकंड वाले पे भी उतने थ्रेड्स को हम रैप करके ले लेंगे यानी कि एक तरफ हमें दो लाइन तैयार कर लेना है रैप करके तो इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ दो लाइनें हमारे अच्छी तरह से पाइपिंग हो चुकी हैं अब दो थ्रेड्स हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं इनको हम क्रॉस कर लेंगे और स्काई ब्लू वाला हाफ थ्रेड जो डिजाइन का हाफ थ्रेड है उसको हम इधर फिर से रैप करेंगे तो इस तरह से कॉर्ड ले लेना है फर्स्ट और इसके ऊपर हम बारी बारी से एक थ्रेड के ऊपर सारे थ्रेड स्काई ब्लू वाले को रैप करेंगे और उसके बाद फिर सेकेंड वाले पे भी हम सेम थ्रेड्स को रैप करके ले लेंगे यानी कि यहाँ पे दो लाइनें हम कंप्लीट कर लेंगे तो so, यहाँ पे एक ब्लॉक देखिए कंप्लीट हो चुका है अब सेकेंड वाले ब्लॉक में आ जाएंगे और यहाँ पे भी गोल्ड वाले देखिए हमारे फोर थ्रेड्स हैं तो इस तरह से टू टू कॉर्ड्स हम दोनों तरफ क्रॉस कर लेंगे और देखिए जो डिजाइन के हाफ कॉर्ड्स बचे एक तरफ रैप कर लेंगे और ये दूसरी तरफ का जो डिजाइन है इसमें से भी हाफ थ्रेड्स को लेके हम रैप कर लेंगे बाकी आगे के भी देखिए जो फोर फोर थ्रेड्स हैं इनको भी इस तरह से क्रॉस करके और स्काई ब्लू वाले थ्रेड्स को रैप करके डिजाइन हम पूरा कंप्लीट करके तैयार कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्लावर शेप में हमारा यहाँ पे जो डिज़ाइन है आ गया है रैप करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे जो फोर फोर थ्रेड्स हमारे आए हैं इनमें मैंने एक एक सिंपल नॉट लगा दिए है तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो नॉट्स हैं फोर थ्रेड्स हैं हमारे गोल्ड वाले इनमें हम अच्छी तरह से टाइटली एक सिंपल नॉट को लगा लेंगे जिससे क्या हुआ देखिए ये डिजाइन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए जो बीच बीच में हमारे थ्रेड्स बचे हुए हैं कॉर्ड्स को रैप करने के बाद अब यहां से हम फोर फोर थ्रेड्स को लेंगे और नॉट को लगाएंगे तो जैसे सिंपल नॉट हमने ऊपर भी लगाए थे वैसे ही यहाँ पर भी फोर फोर थ्रेड्स की मदद से हमें नॉट लगाना है ये देखिए जैसे कि एक नॉट मैंने लगा लिया है इसमें से हम दो नॉट ले लेंगे और साइड से दो नॉट ले लेंगे और एक यहाँ पे सिंपल नॉट को तैयार कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी नॉट में से दो कॉर्ड और साइड से दो कॉर्ड लेके यहाँ पे एक नॉट और लगा लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ फिर से हम फोर थ्रेड्स को लेके बीच में एक नॉट लगा लेंगे तो बीच में नॉट लगाने के बाद फिर से हमें साइड में देखिए फोर थ्रेड्स मिल जाएंगे नॉट में से दो और जो बचा हुआ दो थ्रेड है यहाँ पे हमें फिर से नॉट लगा लेना है अब इसके बाद हम दूसरी तरफ सेम नॉट लगा लेंगे फोर थ्रेड्स हमारे बचे हुए हैं तो देखिए नीचे की तरफ टोटल हमारे एक लाइन में थ्री नॉट यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं अब इसके बाद इसी नॉट को जो थ्री नॉट हमने बनाया इसी नॉट को हम नीचे की तरफ बनाएंगे तो जैसे देखिए थ्री नॉट है अब इसके बाद हम टू नॉट बनाएंगे दो नॉट बनाना है हमें इनके बीच में फोर फोर थ्रेड्स को लेके तो नॉट हमारे कंप्लीट हो गए हैं फिर से देखिए साइड वाले थ्रेड्स को लेके फिर से इसके नीचे हम थ्री नॉट बनाएंगे फिर से टू नॉट फिर से थ्री नॉट इसी तरह से करके ये जो डिजाइन है यानी कि जो नॉट है हम इसको बड़ा कर लेंगे मतलब नॉट को हम नीचे की तरफ बनाते चले जाएंगे so friends, यहाँ पे देखिए नॉट हमने बना लिया है तो यहाँ पे भी काउंटिंग कर लेते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अलेवन टाइम अभी तक नॉट लगा के यहाँ पे लिया है अब इसके नीचे हमें नॉट को घटाना है तो इसके लिए पहले जैसे थ्री नॉट्स हैं फिर हम पहले टू नॉट को यहाँ पे बना के लेंगे जैसे ऊपर हमने देखिए बनाया है सेम उसी तरह से नीचे भी हमारा ये जो नॉट का जो शेप है सेम टू सेम आ जाएगा तो पहले यहाँ पे फोर थ्रेड्स की मदद से हम टू नॉट को बना लेते हैं इस लाइन में तो देखिए हमारे दो नॉट कंप्लीट होंगे हैं अब इसके बाद देखिए देखिये थ्रेड्स को लेके हम लास्ट में वन नॉट बना लेंगे यानी कि यहाँ पे हमें चार धागे से हमें एक नॉट बना लेना है ए देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए बाकी थ्रेड्स में, में भी जो ब्लॉक्स है उसमें भी मैंने सेम टू सेम नॉट बना के और पूरा मैंने कंप्लीट कर लिए देखिए वन टू थ्री फोर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे इतना कंप्लीट करने के बाद देखिए जो गोल्ड वाले थ्रेड्स बचे थे इसमें मैंने एक नॉट लगाया फिर एक बिट्स डाल दिया एक नॉट एक बिट्स इसी तरह से करके यहाँ पे थ्री बिट्स और थ्री नॉट को मैंने लगा लिया है और ये देखिए ये जहा जहाँ से हमने घटाया है ये जो नॉट है यहाँ से घटा यहां तक हमने ये नॉट वाली जो लड़ी है मैंने बना के यहां तक लिया है जहां से घटाया है वहीं से हमें उतना तक हमें लड़ी बना के तैयार करना है तो जैसे देखिए ये फोर्थ रेड्स है तो इसमें हम पहले थ्री बीट्स डाल देंगे पिंक कलर का एक बीट्स को ऊपर करके और सिंपल नॉट लगा लेंगे यानी कि यहाँ पे क्या करना है एक एक बीट हमें ऊपर करना है और उसके साथ हम एक एक नॉट को लगाते जाएंगे फिर से देखिए एक बीट्स ऊपर करना है नॉट लगा लेना है तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ये लड़ी कंप्लीट हो गई है सारी लड़ियाँ कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए जो गोल्ड वाला थ्रेड है क्रॉस करना है और ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसका हाफ थ्रेड हम इसके ऊपर रैप करेंगे तो इस तरह से हमें रैप करना है हाफ ऑफ थ्रेड्स को बारी बारी से रैप करेंगे तो फर्स्ट वाले थ्रेड पे देखिए हाफ थ्रेड मैंने रैप कर लिया है अच्छी तरह से इसके बाद हम सेकेंड वाला गोल्ड वाला थ्रेड ले लेंगे और इसके ऊपर फिर से हम हाफ थ्रेड को जितना हमने फर्स्ट वाले थ्रेड पे रैप किया है उस उसी तरह से हम सेकेंड वाले थ्रेड्स के ऊपर रैप कर लेंगे तो एक तरफ दो लाइनें कंप्लीट कर लिए हैं इसी तरह से देखिए अब दूसरी तरफ का जो लड़ी वाला थ्रेड है गोल्ड वाला दो थ्रेड ले लेंगे और इसको क्रॉस में करके जो स्काई ब्लू कलर का जो हाफ थ्रेड बचा हुआ है उसको हम फिर से ये जो गोल्ड वाले दो थ्रेड से इनके ऊपर हम यहाँ पे अच्छी तरह से डबल डबल टाइम दोनों थ्रेड्स के ऊपर कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेंगे तो so फ्रेंड्स दोनों तरफ से देखिए कॉर्ड्स हमारे यहाँ पे रैप हो चुके हैं ये डिजाइन हमारा इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से शेप में आ गया है अब गोल्ड वाले हमारे टोटल यहाँ पे फोर थ्रेड्स आ गए हैं तो इनको लेके हम यहाँ पे टाइटली अच्छी तरह से एक सिंपल नॉट बना लेंगे तो ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स एक डिजाइन हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है सेम इसी तरह से बाकी जो हमारे डिजाइन्स हैं सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पे बनेंगे तो अभी देखिए यहाँ से जो गोल्ड वाला थ्रेड है हमें लेना है ये देखिए जो दो बच्चा हुआ है इसको हम फिर से इस तरह से दूसरी तरफ स्काई ब्लू वाले हाफ कॉर्ड को इसके ऊपर रैप करेंगे और यहाँ से भी हम गोल्ड वाले दो थ्रेड ले लेंगे इस तरह से हम हाफ ऑफ थ्रेड्स को रैप कर लेंगे और बाकी भी कंप्लीट कर लेंगे सो so फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डिजाइन अब कंप्लीट हो गया है तो जैसे हमने यहाँ ऊपर की तरफ देखिए नॉट लगाए थे सेम टू सेम अभी यहाँ पे हम नीचे की तरफ भी ब्लॉक्स में नॉट को लगा के लेंगे सेम नॉट हमारा यहाँ पे कंटिन्यू होगा तो फोर फोर थ्रेड्स को लेके हमें यहाँ पे नॉट को लगा लेना है सो so फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से जो गोल्ड वाला हमारा देखिए नॉट है वहाँ तक हमें इक्वली बराबर में हमें सारे ब्लॉक्स में नॉट को लगा के लेना है अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए सारे जगहों पे मैंने नॉट को लगा लिए हैं इसके बाद ये जो फोर्थ थ्रेड से मैंने यहाँ पर छोड़ रखे थे अब इसमें हमें नॉट बनाना है तो ये देखिए जो फोर्थ थ्रेड्स हैं इनमें से हम दो थ्रेड ले लेंगे और इसमें हम यहाँ पे डालेंगे ग्रीन कलर का कांटा बीट्स और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक लड़ी तैयार करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्पायरल मूव्स के नॉट तो स्पायरल मूव्स के जो नॉट है बहुत ही ईजी होते हैं इसको लगाना बहुत ही आसान है सिर्फ आपको वन साइड से एक साइड से आपको इस तरह से नॉट लगाते जाना है और जो नॉट है वो ऑटोमेटिक क्या होगा टर्न होगा आपको टर्न करने की भी जरूरत नहीं है नॉट खुद खुद ही टर्न होते जाएगा ये देखिए इस तरह से नॉट टर्न हो गया है यानी कि आप थ्री से फोर नॉट लगाते हैं वन साइड से तो नॉट खुद ही टर्न हो जाएगा तो इस तरह से हम एक ही साइड से नॉट यहाँ पे लगा के ले लेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्पायरल मूव्स के नॉट मैंने लगा लिए हैं अभी जो फोर थ्रेड्स है इसमें हम नॉट को लगाते हुए जो नीचे ये देखिए जो गोल्ड वाला थ्रेड है यहाँ तक हमें लड़ी बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे तो गोल्ड वाले दो थ्रेड और स्काई ब्लू वाले दो थ्रेड को लेके यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे ताकि जो गोल्ड वाले थ्रेड्स हैं एक जगह पे जो फोर्थ थ्रेड से एक जगह पे आ जाएंगे तो जो ऊपर से जो लड़ी आ रही है यहाँ पे हमें इसको जॉइंट करने में हमें हेल्प हो जाएगी यानी देखिए जो फोर्थ थ्रेड से गोल्ड वाले एक जगह पे आ गए हैं तो यहाँ तक हमें इस लड़ी को बना के तैयार करना है तो अभी इसमें जैसे देखिए दो इंच तक का मतलब एक बीट्स डाल के दो इंच तक का मैंने नॉट तैयार कर लिया है इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से बड़ा बीड्स ले लेना है तो मैंने रेड कलर का ले लिया है और इसको डाल के फिर से हम नीचे की तरफ स्पायरल मूव्स को लगा लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे स्पायरल मूव्स के नॉट देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए हैं तो जितना हमने ऊपर बनाया है सेम उतना ही हमें नीचे की तरफ भी नॉट को रखना है कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है उसके बाद देखिए दो थ्रेड्स में एक बीड्स डाल देना है ग्रीन कलर का और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक स्पायरल मूव्स तो टाइटली लगा लेंगे यानी बीच में हमारा रेड वाला बीड्स आना चाहिए और दोनों तरफ ऊपर और नीचे जो नॉट्स हैं बराबर में आने चाहिए अब यहाँ पे जो फोर थ्रेड्स हैं नीचे की तरफ उनमें से हम दो दो थ्रेड्स ले लेंगे और लड़ी को यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे तो लड़ी में से दो थ्रेड और जो हमने नीचे की तरफ जो हमारे नॉट्स हैं गोल्ड वाले उनमें से दो थ्रेड लेके टोटल फोर थ्रेड्स की लेके हम दोनों तरफ नॉट लगा के और इस लड़ी को यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से अटैच कर लेंगे तो टाइटली नॉट हमें लगा के और इस लड़ी को यहाँ पे हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है ये देखिए बराबर में यहाँ पे आ गया है दोनों तरफ से एक एक नॉट मैंने लगा दिया है इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए फोर फोर थ्रेड्स को लेके नॉट लगा लेना है और उसके बाद फिर से गोल्ड वाले दो थ्रेड और स्काई ब्लू वाले दो थ्रेड्स को लेके हमें दोनों तरफ से एक एक नॉट लगा लेना है जिससे कि गोल्ड वाले फोर थ्रेड्स हमारे एक जगह पे आ जाएंगे ताकि ऊपर से जो हमारी लड़ी आएगी उसको हम यहाँ पे आसानी से इजीली यहाँ पे ज्वाइंट कर सकें तो देखिए इस थ्रेड को खोल के और फिर से इसमें एक ग्रीन कलर का बीट्स डाल के फिर स्पायरल मूव्स के नॉट लगा देना है हमें फिर रेड कलर का एक बीड्स डाल देना है फिर नीचे भी बराबर का नॉट लगा के जैसे हमने यहाँ पे तैयार किया है बराबर सेम टू सेम इसी तरह से हम इस वाले थ्रेड्स में बना के तैयार कर लेंगे और नीचे की तरफ ज्वाइंट कर लेंगे और बाकी जो दो थ्रेड्स यहाँ पे ये देखिए नॉट लगाए बच रहे हैं इनमें भी हमें लड़िया बना के ज्वाइंट कर लेना है तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने जगह जगह पे यानी चारों तरफ से मैंने इसको जॉइंट कर लिया उसके बाद फोर फोर थ्रेड्स को लेके मैंने यहाँ पे नॉट को लगा लिया है तो जैसे यहाँ पे मैंने नॉट लगाए थे सेम सेम टू पर भी मैंने नॉट को लगा के ले लिए हैं तो टोटल तो यहाँ पे मैंने एट आठ लाइन देखिए इस तरह से गोलाई में मैंने बारी बारी से एक एक कर, कर करके आठ लाइन मैंने यहाँ पे एट लाइन मैंने नॉट्स को लगा के ले लिए हैं अब इसके नीचे फिर से हमें रिंग लगाना है तो यहाँ पे मैंने एट यानी कि आठ इंच का मैंने रिंग ले लिया है बड़ी साइज का और इसको भी यहाँ पे मैं फिक्स करूंगी तो सारे थ्रेड्स को हमें रिंग में इस तरह से डाल देना है और इसके बाद हम थ्रेड्स को रिंग के ऊपर अटैच करेंगे तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि किस तरह से थ्रेड को रिंग पे अटैच करना है सेम प्रोसीजर है चारों तरफ से पहले आप थोड़ा थोड़ा थ्रेड्स रिंग पे अटैच कर लें उसके बाद जो बचा हुआ थ्रेड्स है उसके बाद आप आसानी से इजीली रिंग के ऊपर डबल टाइम रैप कर लें तो इस तरह से फ्रेंड्स एकदम इजी स्टेप में रिंग के ऊपर हमारे सारे कॉर्ड्स अच्छी तरह से यहाँ पे लग चुके हैं यानी कि अटैच हो चुके हैं अब इसके बाद फ्रेंड्स अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे हमें देखिए ये जो गोल्ड वाले थ्रेड्स हैं इनके दोनों साइड हमें यहाँ पे थ्रेड लगाना है तो यहाँ पे गोल्ड कलर का मैंने टू मीटर का थ्रेड ले लिया है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है और रिंग के अंदर से हमें निकाल के और इस तरह से अटैच कर लेना है तो जहां जहां गोल्ड वाले थ्रेड्स हैं उनके दोनों साइड हमें एक एक थ्रेड को यहाँ पे अटैच कर लेना है फिर से देखिए दो मीटर का मैंने थ्रेड ले लिया है इस तरह से फोल्ड करके और दूसरी तरफ भी मैंने लगा दिया फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी हमें लगा लेना है यानी कि दो दो मीटर का थ्रेड जहां जहाँ पे गोल्ड वाले थ्रेड्स है उनके साइड में हमें लगा के ले लेना है तो टोटल यहाँ पे एट यानी कि आठ थ्रेड मैंने लगा लिए हैं अब देखिए फ्रेंड्स ये जो नॉट है हमारा अब यहाँ पे नीचे की तरफ फिर से रिपीट होगा सेम टू सेम नॉट हमारा यहाँ पे लगेगा फोर थ्रेड्स लेना है दो नॉट पहले हमें लगा के लेना है जैसा मैंने ऊपर बनाया सेम वही नॉट यहाँ पे कॉपी हो रहा है कुछ भी चेंज नहीं है देखिए दो नॉट लगा लिया है फोर्थ थ्रेड को लेके फिर से फोर्थ थ्रेड लेना है दो नॉट लगाना है इसी तरह से हम पूरा ये गुलाई कंप्लीट कर लेंगे नॉट्स लगा के तो इसी तरह से फ्रेंड्स जैसे देखिए नॉट मैंने लगाया है नीचे की तरफ भी फोर फोर थ्रेड्स को लेके और दो दो नॉट लगा के यानी कि डबल नॉट लगा के हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे सो so, फ्रेंड्स ये देखिए नॉट हमारा बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर भी मैंने सिक्स लाइन नॉट को लगा के मैंने डबल नॉट लगा के मैंने ले लिए हैं अब यहाँ पर हमें नाइन यानी कि नौ इंच का रिंग लेना है और ये सबसे बड़ा रिंग है और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है किस तरह से थ्रेड हमें रिंग के ऊपर अटैच करना है सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी अटैच करेंगे हम चारों तरफ से पहले गोल्ड वाले थ्रेड को रिंग के ऊपर अटैच कर लेंगे उसके बाद स्काई ब्लू वाले थ्रेड को रैप करेंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए सारे थ्रेड्स को मैंने रिंग पे अच्छी तरह से मैंने लगा लिया है अब नीचे का जो हिस्सा है अब इसको हम पैक करेंगे यानी जितना भी थ्रेड्स है इसको हमें पैक करना है तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गोल्ड कलर का वन मीटर का मैंने थ्रेड ले लिया है और इस तरह से यहाँ पे पहले हम देखिए गोलाई में करके और अच्छी तरह से यहाँ पे हम गोल्ड वाले थ्रेड से नॉट लगा लेंगे उसके बाद हम सारे थ्रेड को अच्छी तरह से रोल करेंगे यानी कि रैप कर लेंगे तो इस तरह से देखिए सारे थ्रेड को यहाँ पे दो इंच तक रोल कर लिया है एक्स्ट्रा जो कॉर्ड बचा है उसको लाइटर से मेल्ट करके अच्छी तरह से चिपका देना है और इसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है देखिए एक एक थ्रेड को लेना है और नीचे की तरफ हमें टाइटली खींचना है ताकि जो थ्रेड्स देखिए थोड़े उलझे उलझे से लग रहे हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे इक्वली अच्छी तरह से बराबर शेप में आ जाए तो देखिए सारे थ्रेड्स को यहाँ पे खींच दिया है सारे थ्रेड्स अच्छी तरह से रिंग पे आ गए हैं अब यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का ये जो थ्रेड है इसको हम फाइव इंच पे कट कर लेंगे तो दो थ्रेड्स हैं तो इनको हम छोटा बड़ा कट कर लेंगे और इससे तीन इंच ज्यादा हम ये देखिए नीचे वाले थ्रेड को कट कर लेंगे यानी पे पे मैंने मैंने स्काई ब्लू को कट कर लिया और उसके बाद मैंने एट पे गोल्ड वाले को कट कर लिया तो अभी दो दो थ्रेड को लेके हम यहाँ पे पिंक कलर का बेल्स लगा लेंगे तो बेल्ट लगाना मैंने आपको हर वीडियो में बताया है उसी तरह से हमें लगाना है दो थ्रेड लेना है एक बेल्स डाल के और लाइटर से दोनों थ्रेड्स को स्टिक कर लेना है तो बेल्स हमारे इस तरह से यहाँ पे लग जाएंगे ये देखिए बहुत ही इजी स्टेप है इजी तरीके से बेल्स लग जाते हैं एक बात को और यहाँ पे आपको बताती हूँ जैसे देखिए सबके पास इतने सारे बेल्स तो होंगे नहीं तो आपको क्या करना है थोड़ा बहुत यहाँ पे बेल्स लगा देना है बाकी इस तरह से दो दो थ्रेड्स को लेके और मेल्ट करके और इन थ्रेड्स को चिपका देना है और अंदर के तरफ कर देना है यानी आपको ज़्यादा यहाँ पे बेल्स लगाने की जरूरत नहीं है थोड़े बेल्स में भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा और इसी तरह से क्या करना है जैसे यहाँ पे हम स्काई वाले थ्रेड्स में बेल्स लगा रहे और इस तरह से स्टिक करें डबल कॉर्ड को लेके ऐसे ही हम नीचे गोल्ड वाले थ्रेड के साथ भी ऐसे ग्रीन कलर का बेल्स लगा के और तैयार कर लेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ ग्रीन लगा दिया ऊपर की तरफ पिंक कलर के बेल्स लगा के मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया ये झूमर भी देखिए कितना सुंदर बन गया है झूमर हमारा तैयार हो गया है अब यहाँ पे इस झूमर में हम बल्ब को सेट करेंगे अक्सर आप लोग का कमेंट आता रहता है कि कैसे सेट करना है तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ आपको एक होल्डर लेना है इस तरह का और एक बल्ब लेना है बल्ब आप कोई भी ले सकते हैं कलरफुल अभी दिवाली आ रही है तो कलरफुल जो बल्ब है बहुत सारे मिलते हैं तो होल्डर में सेट करना है उसके बाद इस बल्ब को अंदर डालना है झूमर के और इस वायर को हमें एक थ्रेड से अच्छी तरह से यहाँ पे नॉट लगा के सेट कर लेना है उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करिए तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये माइक्रम का आकाश कंडील या झूमर बिग साइज का बन के तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये झूमर आपको पसंद आता है ये झूमर तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप सबको झूमर कैसा लगा मेरी ये वीडियो पसंद आई हो ये झूमर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी देखिए दिवाली आ रहा है तो बहुत लोगों को इस तरह के झूमर वगैरह की जरूरत होगी तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा शेयर जरूर करिएगा कमेंट करके बताइए कैसा लगा साथ में चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिए तो अंधेरे में देखिए लाइट ऑन कर दिया है झूमर में और ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप सभी को इन एडवांस हैप्पी दिवाली आप जरूर इसे ट्राई करें झूमर को थैंक यू बाय